हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। यूं तो पक्षी की दुनिया ही अजूबों से भरी है, जैसे कि कुछ पक्षी माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊपर तक उड़ सकते हैं और कुछ बिना रुके लंबी दूरी तय करते हैं। कुछ आश्चर्यजनक सटीकता के साथ अपनी भाषा का अनुकरण कर सकते हैं। कुछ के बाल बहुत ही अच्छे होते हैं। आज हम ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनकी बहुत सुंदर कलगी होती है। नंबर 10 पर है हूपो। यह पक्षी बहुत ही सुंदर और ध्यान देने योग्य है। यह पक्षी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में लगभग हर जगह पाया जाता है। यह पक्षी अपनी कलगी के पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पंख चेस्टनट रंग के होते हैं और पंख के कोने काले होते हैं। ज़्यादातर समय इसकी कलगी सिर के पीछे की ओर गिरी रहती है। जब यह सतर्क होते हैं तो इनकी कलगी बहुत ही सुंदर और गोल आकार की हो जाती है। इसके शरीर के पंख इसकी कलगी की तरह बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके बाजू पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं होती हैं। इसकी अन्य दिलचस्प बात यह है कि इनकी लंबी और काली चोंच होती है, जिसकी मदद से यह जमीन में छिपे कीड़ों को बहुत ही जल्दी बाहर निकाल लेते हैं। नंबर 9 पर है ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब। यह एक पानी में रहने वाला पक्षी है। यह उथले जल वाले जलाशयों में पूरे यूरोप में पाया जाता है। यह पक्षी सबसे बड़ा पक्षी है ग्रीब फैमिली का, जो कि पूरे यूरोप में पाए जाते हैं। इस पक्षी की बहुत ही सुंदर लंबी गर्दन, लंबी चोंच होती है और नर और मादा दोनों में ही सुंदर काले कलर की कलगी होती है। अपने सिर के पंखों और प्रेमालाप के लिए जाने जाते हैं। गर्मी में जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, नर और मादा अपनी चोंच एक दूसरे से मिलाते हैं और दोनों अपनी कलगी को उठाकर हिलाते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर प्रेमालाप प्रदर्शन करने का तरीका है जो कि इन पक्षियों में होता है। नंबर 8 पर है हिमालयन मोडल। यह पक्षी एक आश्चर्यजनक रूप से रंगीन पक्षी है, जो कि हिमालयस में पाया जाता है। इसी कारण इसका नाम हिमालयन मोडल पड़ा है। नर पक्षी जो कि मादा के मुकाबले रंगीन होते हैं, इनके असाधारण रंगीन पंख जो कि मिक्स कलर के होते हैं, जैसे मेटलिक ब्लू, ग्रीन, रेड और पर्पल। नर पक्षी ध्यान देने योग्य हैं अपने मेटलिक ग्रीन सर के पंखों के लिए। मादा पक्षी के नर की तरह अच्छे कलर में पर नहीं होते। इनके पंख ब्राउनिश कलर में होते हैं। मादाओं के सिर पर पंख पाए जाते हैं, पर छोटे और ब्राउन कलर में। नंबर 7 पर है निकोबार पिजन। यह पक्षी एक असाधारण रूप से सुंदर लेकिन कम ज्ञात प्रजाति है। यह पक्षी निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। साथ ही इस पक्षी के इंद्रधनुषी हरे रंग के पंख होते हैं। यह पक्षी दुनिया की सबसे खूबसूरत कबूतर की प्रजाति है। इनके गर्दन के ऊपरी भाग में हरे और नीले लंबे पंख होते हैं। लंबे पंख दिखने में इनके बाल की तरह लगते हैं, जो कि इन्हें एक अनोखा दिखने वाला पक्षी बनाते हैं। इन पक्षी में मादा नर से छोटी और ब्राउनिश कलर में होती हैं। नंबर 6 पर है सेक्रेटरी बर्ड। यह एक बड़ा पक्षी है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर से 1.4 मीटर हो सकती है और इनके पंख का फैलाव 3 मीटर होता है। यह सवाना और अफ्रीका के हरे मैदानों में पाए जाते हैं। यह पक्षी अपने साइज के लिए ही नहीं, अपने सुंदर पंख और कलगी के लिए भी प्रसिद्ध है। इनके सिर के पंख शायद सबसे दिलचस्प और साफ विशेषताएं हैं इस पक्षी की। इनके सिर के पीछे लंबे और काले पंख होते हैं। जब यह इन पंखों को उठाते हैं तो यह इनके सिर पर ताज की तरह लगते हैं। इनके शरीर के पंख ग्रे और काले रंग के होते हैं। नंबर 5 पर है सल्फर क्रेस्टेड पोकेटो। यह पक्षी मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर तोते की प्रजाति का पक्षी है, जो कि बहुत सुंदर होते हैं। यह लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। लोग इन्हें घरों में पालतू जानवर के तौर पर भी रखते हैं। इनके शरीर के पंख सफ़ेद रंग के होते हैं और सलेटी चोंच और गोल काली आँखें होती हैं।
साथ ही सिर पर सल्फर कलर की कलगी होती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है, जो कि इसके आकर्षण का केंद्र है। यह सब खूबी नर और मादा दोनों में पाई जाती हैं। नंबर 4 पर है गिनी तुराको। यह पक्षी एक मीडियम साइज पक्षी है, साथ ही असाधारण रंग के पंख हैं। यह सवाना और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इनके सिर से छाती तक पंख हरे रंग के होते हैं। इनकी कमर और पूंछ डार्क पर्पल रंग की होती है, पर इनके आकर्षण का केंद्र इनकी हरी रंग की कलगी है, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। यह अपनी कलगी को जब ही उठाते हैं जब यह अलर्ट होते हैं। नंबर 3 पर है गोल्डन पीजेंट। यह पक्षी दुनिया के सबसे रंगीन और सुंदर पक्षियों में से एक है। यह वेस्ट एंड सेंट्रल चाइना में पाए जाते हैं। नर पक्षी के मादा पक्षी के मुकाबले बहुत ही चमकीले पंख होते हैं। मादा पक्षी हल्के ब्राउनिश कलर की होती है और नर बहुत से चमकीले रंग के मिक्सचर के होते हैं। नर अपने कलर और कलगी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी लंबी पीली गोल्डन कलगी, जो कि गर्दन के आखिरी तक पहुंच जाती है, और नर की एक बहुत ही लंबी पूंछ होती है। नंबर 2 पर है ग्रे क्राउन क्रेन। यह बहुत ही बड़ा पक्षी है, जो कि ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका की गीली भूमि और हरे मैदानों में पाया जाता है। यह युगांडा का राष्ट्रीय पक्षी है, जैसे कि इनका नाम दर्शाता है। इस पक्षी के शरीर के पंख ग्रे कलर के होते हैं और सिर पर बहुत ही सुंदर ताज होता है। इनके बाजू पर काले और सफ़ेद रंग का मिक्सचर होता है। इनकी सुंदर कलगी गोल्डन कलर की होती है। नंबर 1 पर है विक्टोरिया क्राउन पिजन। इस पक्षी की लंबाई 30 इंच तक हो सकती है। इनका वजन 3.5 किलो तक हो सकता है। विक्टोरिया क्राउन पिजन दुनिया की सबसे ज़्यादा जीने वाली कबूतर की प्रजाति है। यह न्यू गिनी और इंडोनेशिया के निचले जंगलों में पाया जाता है। इनके शरीर के पंख नीले सलेटी और लाल रंग की आंखें होती हैं। दोनों नर और मादा एक जैसे ही दिखते हैं। नर मादा के मुकाबले बड़े साइज में होता है, इसी से आप इनमें अंतर कर सकते हैं। नर ब्रीडिंग सीजन में बहुत ही अच्छा प्रेमलाप प्रदर्शन करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।